हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी श्रीनगर टू गुलमर्ग, जिसमें मैं गुलमर्ग का एक एक सीन आपको दिखाऊंगी, गुलमर्ग का कैसा सीन है, और एक ऐसे ख़ास मेहमान से मिलाऊंगी जिससे मिलके आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। मैं जिस सीज़न में गई थी उस टाइम में स्नोफॉल स्टार्ट हुआ था, वैसे नवंबर और दिसंबर में काफ़ी स्नोफॉल मिलता है और स्नो भी मिलता है। तो चलिए चलते हैं, हम श्रीनगर से चल दिए हैं अभी टंगमर्ग की तरफ। हमने लोकल टैक्सी किया है, हमने कोई रिजर्व टैक्सी नहीं किया है, लोकल टैक्सी से हम जा रहे हैं टंगमर्ग। टंगमर्ग से आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे गुलमर्ग के लिए। तो चलिए ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं सामने, ये गुलमर्ग की पहाड़ियाँ हैं। तो अभी हम टंगमर्ग पहुँचने वाले हैं और टंगमर्ग से आपको गुलमर्ग 30 मिनट्स लगेंगे। चलिए चलते हैं फिर। हम अभी टंगमर्ग पहुँच गए हैं, सामने आप देख सकते हैं गुलमर्ग की पहाड़ियाँ। बस हम दूसरा टैक्सी करेंगे अभी और गुलमर्ग के लिए चल देंगे। तो दिल थाम के बैठिए गुलमर्ग का नज़ारा देखने के लिए। ये हमने टंगमर्ग से शेयर टैक्सी किया है, पर पर्सन 50 रुपीज़ गुलमर्ग के लिए। ये देखिए गुलमर्ग का सीन, गुलमर्ग के रास्ते का सीन। तो फ्रेंड्स, अभी हम गुलमर्ग में हैं और आप सीन देख सकते हैं गुलमर्ग का, इतना खूबसूरत है। तो अभी हम गुलमर्ग की सैर करेंगे, गुलमर्ग चारों तरफ घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं बाकी का सीन देखने के लिए। वैसे अभी स्नो नहीं है, वैसे ही बिल्कुल खूबसूरत है गुलमर्ग। हम यहाँ गुलमर्ग में एक जिप्सी बुक कर लिए और काफ़ी बड़ा गुलमर्ग है, इस वजह से हम पैदल नहीं जा सकते हैं ज़्यादा दूर तक। तो यहाँ पे हमने एक जिप्सी बुक की है और चारों तरफ आप सीन देख सकते हैं गुलमर्ग का। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, 1000 पर पर्सन। काफी ठंड है यहाँ पे। थोड़ी सी हल्का हल्का बूंदे गिर रही हैं, लग रहा है बर्फबारी होने होगी। ये सामने आप बर्फ की पहाड़ियाँ देख सकते हैं और बादल भी बिल्कुल काले हो गए हैं, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, काफ़ी ठंड बढ़ गई। और सामने जो आप देख रहे हैं IISM है ये। हम गुलमर्ग में बिल्कुल ऊंची पहाड़ियों पे आए हैं। हमने जो भैया हमारे साथ हैं उनको मैंने बोला कि हम लोग बिल्कुल ऊपर जाना चाहते हैं जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो, तो हमें वे ऊपर लेके आए हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर में ये पूरी बर्फ़ जमी रहती है, एक एक चीज़ पे बर्फ़ जमी रहती है। तो अभी बर्फ़ नहीं है, इसी वजह से ऊपर लेके आ गए हैं वो। लेकिन
ऐसा लग रहा है बारिश तो हो ही रही है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ भी। सलाम अलैकुम भाई, वालेकुम कैसे अस्सलाम, हैं? खुश आमदी यार, बहुत किस्मत वाले हैं आप। आपने तो स्नोफॉल साथ में लाया यहाँ पे, आपने तो चार अच्छा, चांद। मैं ये कहता हूँ ना कि अगर कोई आदमी आए ना तो प्लीज इस चेहरे को देख ले। ये आदमी मतलब ना घूमे ना भी ना, आपके साथ आधा घंटा रह जाए ना तो आपके आपको 5 साल आप जवान हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतना खूबसूरत आदमी, इतना नौजवान आदमी, और देखिए ये बहुत लक का, ये इस टाइम में स्नोफॉल होता नहीं है गुलमर्ग में। और ये देखिए हमारे जो भाई हैं ये इतने इतने कैंप फायर का इंतजाम कर रहे हैं। ठंड ज्यादा लग गई कि आपको भाई? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा लग गई। और ये देखिए हमारी मैम है, ये आसाम की हैं और साथ में मौजूद है। मैम कैसा लग रहा है आपको अभी? अच्छा लग रहा है ना अभी? आप लोग आप आसाम से? मैम आप कहाँ की हैं? मैं तो कोलकाता से हूँ। ओह आप भाला से? नहीं आपने भाला से? आपने भाला से ना? तो थोड़ा वक्त लगता है लेकिन उसके साथ बोलते बोलते वो चीजें अपने आप में आ जाती है। तो क्या नाम हुआ मैम आपका? क्या नाम हुआ आपका मैम? सोनाली मैम। सोनाली मैम और सर हमारे साथ। सर क्यों छुप रहे हैं आप? हम छुप नहीं रहे। क्या नाम हुआ भाई आपका? शुभोजित। शुभोजित दा, सोनाली भाई हम चाहते हैं कि आपकी जो जोड़ी है ना एक बार बिल्कुल ना ऐसे थोड़ा सा पकड़िए आप लोग, आपकी जोड़ी ना युगो युगो तक जब तक चांद और तारे हो ना तब तक आपकी जोड़ी बनी रहे। जय सोनार बांग्ला। थैंक यू सर। और तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए यहाँ पे। आप टंगमर्ग के हैं ना? जी हाँ, मैं टंगमर्ग से हूँ। और आप सब जो भी ये वीडियो देखना चाहते हैं देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये अगर कोई अगर आपके पास आना चाहे ना टंगमर में, क्या अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर जोर से बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन, मुझे लोग यहाँ पे किंग चाचू के नाम से जानते हैं। और मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी भी चलता है ट्रेवल विद किंग चाचू के नाम से। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जरा बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9858319665। यस, ये मोबाइल नंबर याद रखिए। और ये गुलमर्ग में जैसे कॉल करेंगे ना, आप घर से निकल के एक बार कॉल मारेंगे बस। भाई इतनी ठंड हो गई ना, अब धूप हो गई। एक कहवा तो बनता है आपके कहवा, तो इंशाल्लाह कहवा आपको मस्त पिलाएंगे अपना गुलमर्ग में। गुलमर्ग पिलाएंगे ना, बट का सबसे बेस्ट कहवा आपको आज एक्सपीरियंस। ये होता भाई ना, मतलब जिंदा कश्मीर, जिंदा कौम है कश्मीर के लोग जो है जिंदा लोग हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी मैं मरूं तो कश्मीर में मरूं। और एक फारसी में कहावत है कि फिरदौस बर रुए अगर, अगर फिरदौस बर रुए, फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। थैंक यू। जमीन पे कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू थैंक यू। इसे लोग यहाँ पे लोकल लोग में जन्नत कहा जाता है। देखिए वैसे ये कौन सी बस्ती है भाई? ये आपको बता रहा हूँ, ये सारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला है। सारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ये यहाँ पे आप हैं ये भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। लेकिन हम यहाँ पे इस वक्त हैं तो ये सारा नॉन रेजिडेंशियल एरिया है। जो रेजिडेंसीज वगैरह है जंस्कार रेंज वो सामने, वहाँ जाके जो है रेंज चेंज हो जाता है, काराकोरम रेंज चालू हो जाता है, जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड वहाँ से वो जाता है वो पाकिस्तान ने बनाया है। बिल्कुल चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर वो वहाँ से लेफ्ट साइड से कॉरिडोर। ये गुलमर्ग का देख सकते हैं आप, यहाँ पे जब नवंबर दिसंबर में पूरा बर्फ से ढका रहता है। हेलो फ्रेंड्स, देख हल्की सी अभी स्नोफॉल हुई है और अभी बंद हो गई है। ये क्या है भाई, ये क्या है? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा वो उसके कॉटेज है ना? हाँ। देखिए बारिश भी हुई है हल्की और स्नोफॉल भी हुआ था, हल्की हल्की बर्फबारी। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे शिकारगाह कहा जाता है उर्दू में, अब जो भी हो। और अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं डाउन में। गुलमर्ग वैली, ये गुलमर्ग वैली पूरा नजारा ले लो सर, ये आप देख सकते हैं।
उधर के अगर फोटो वोटो लेना है उसके बाद हम जाएंगे वापस। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नजारा है गुलमर्ग का, पहाड़ों पर व्हाइट चादर बिछी हुई है। ये हम जाने के टाइम भी देखिए स्नोफॉल हो रही है, ये स्टार्टिंग का स्नोफॉल है और आपको इसके बाद स्नो ही स्नो दिखेगा नवंबर दिसंबर में। तो फ्रेंड्स आपका मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।